अगर आप सस्ता सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने ऐसे निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज को लॉन्च कर दिया है। सरकार ने सरकारी गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज का इश्यू प्राइस 4,842 रुपए प्रति ग्राम तय किया है और दूसरी सीरीज की बिक्री 24 मई से शुरू हो गई है और ये 28 मई तक चालू रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने 12 मई 2021 को अधिसूचना जारी करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021 और 22 सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का ऐलान किया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22 की पहली सीरीज 17 मई को खुली थी और इसका इश्यू प्राइस 4,777 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया था। दूसरी सीरीज में ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से पेमेंट करने वाले निवेशकों को इश्यू प्राइस पर 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। गोल्ड बॉन्ड की बिक्री स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुनिंदा पोस्ट ऑफिस, बैंकों, NSE और BSE के जरिए की जाती है। निवेशक इनमें से किसी भी एक जगह से गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी कर सकते हैं। गौरतलब है कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड की ओर से पिछले 3 दिन 999 प्योरिटी वाले सोने के दाम के आधार पर गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय होती है। सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की थी। गोल्ड बॉन्ड में वित्त वर्ष अप्रैल और मार्च में प्रति व्यक्ति न्यूनतम निवेश 1 ग्राम है, जबकि अधिकतम सीमा 500 ग्राम है। व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम और ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम रखी गई है। निवेशकों को कम से कम 1 ग्राम का बॉन्ड खरीदने की भी सुविधा मिलती है। निवेशकों को गोल्ड बॉन्ड के बदले लोन लेने की भी सुविधा है। पूंजी और ब्याज दोनों की सरकारी गारंटी मिलती है। इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। कर्ज लेने के लिए गोल्ड बॉन्ड का इस्तेमाल कोलेट्रल के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर TDS भी नहीं कटता है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस से जुड़ी किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक पहुँच सके।